Dear students, today we have to start chapter number 7, More of MS Word. इसके पहले वाला chapter कौन सा था हमारा? MS Word. अब MS Word में हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, कुछ extra. Introduction, formatting of text. हमने जो format text बनाई, documents बनाए, उसको formatting कैसे करेंगे? Font style, font size, font effect, font alignment, font color, text highlight color, line spacing, bulleted numbering. एंड डिफरेंट फॉर्मेटिंग विथ एग्जाम्पल्स. तो ये सब हम इस चैप्टर में देखते हैं. तो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस MS Word इन प्रीवियस चैप्टर. हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ टू क्रिएट एंड यूज MS Word फॉर डिफरेंट पर्पज. हमने पहले वाले चैप्टर में MS Word पूछा देखा है. अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट को हाउ टू नो अबाउट हाउ टू क्रिएट एंड यूज MS Word. MS Word हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे. तो पहले फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट एट्सेट्रा. फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है? फॉर्मेटिंग मीन्स हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ चेंजेस करना, जैसे उसको अट्रैक्टिव बनाना है, इफेक्टिव बनाना है. कैसे? तो लाइक फॉन्ट साइज यूज़ करना है, फॉन्ट कलर यूज़ करके, फॉन्ट स्टाइल यूज़ करके, और वर्ड आर्ट भी हम उसके अंदर कर सकते हैं. देन फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट स्टाइल इज नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल विच इज़ फॉर फॉलोड बाय डिफरेंट यूजर्स. फॉन्ट स्टाइल मतलब क्या होता है कि फॉन्ट स्टाइल ये डिफरेंट टाइप के स्टाइल यूज़ करके हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल. वी कैन गिव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल टू मेक इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स. हम डिफरेंट टाइप के टेक्स फॉन्ट स्टाइल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है तो इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए. हाउ टू चेंज फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं? तो सिलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू वॉन्ट टू चेंज फॉन्ट स्टाइल. जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, आपने उसको लिखा, ये देखिए ये आपने लिखा, फिर आपको क्या करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है. मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, आप पे आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं, उस कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है, तो पहले फर्स्ट आपका स्टेप होता है कि आप उस जो जिसको आपको इफेक्ट देना है उसको सिलेक्ट करें. जैसे आपको ये लिखा हुआ पोर्शन है, इस पर आपको इफेक्ट करना है, इस पर फॉर्मेटिंग करना है, तो पहले तो फर्स्ट आपको इसको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा. देन गो टू द होम टैब. फिर उसके बाद यहाँ पे होम टैब होती है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है. देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप. यहाँ पे ये फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जाना है. देन सिलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम, यहाँ पे फॉन्ट पे गए आप तो यहाँ पे देखिए इतने सारे फॉन्ट आ जाएंगे आपके सामने. यहाँ से आपको जो पसंद है वो कोई भी एक फॉन्ट यूज़ करें. जैसे यहाँ पे मोनोटाइप किया हुआ है तो कर्सिव, तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है. नाउ योर यू फाइंड फॉन्ट विल बी चेंज. फिर आपको इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा. देखिए यहाँ पे ऊपर ऐसा था, फिर इस तरह से हो गया. आपको क्या करना है, हाउ टू चेंज फॉन्ट स्टाइल. सिलेक्ट द फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन गो टू द होम टैब, देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम फॉन्ट बॉक्स जो आपको चाहिए वो, एंड योर फॉन्ट विल बी चेंज. इस तरह से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. देन फॉन्ट साइज. वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय यूजिंग दिस ऑप्शन ओनली. ये साइज है फॉन्ट का, कितना बड़ा करना है या कितना छोटा करना है. तो ये आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं. बाय वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज, हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज. फिर से फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू वॉन्ट टू चेंज फॉन्ट साइज. जहाँ जिस टेक्स्ट का आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि इसको सिलेक्ट किया. देन फिर से होम टैब में जाना है, गो टू द होम टैब, देन फॉन्ट ग्रुप. ये जो होता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब होते हैं, फॉन्ट ग्रुप होता है, तो यहाँ पे जाना है. देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड सिलेक्ट द फॉन्ट साइज. इसमें से आपको फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे 18 का सिलेक्ट किया हुआ है. फॉन्ट साइज बॉक्स विच यू वॉन्ट टू चेंज एंड देन योर फॉन्ट साइज विल बी चेंज. यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट साइज चेंज हो गया. कैसे किया हमने फॉन्ट साइज चेंज? पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में गए. होम टैब में जाने के बाद
फ़ॉन्ट ग्रुप में गए, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद हमने हमारा फ़ॉन्ट साइज़ देखा, आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। हमने 18 का फ़ॉन्ट साइज़ लिया, तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। इस तरह से हम फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट इफेक्ट, बोल्ड, बोल्ड इज़ यूज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ टेक्स्ट और टू डार्कन द वर्ड। वर्ड को डार्क करना है और उसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो उसके लिए बोल्ड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हेल्प अस टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। इससे आपके टेक्स्ट का जो है वो आपको चेंज दिखेगा, ब्रॉड भी दिखेगा, मतलब चाड़ी भी, थिकनेस भी दिखेगी एंड डार्क भी दिखेगा। हाउ टू चेंज थिकनेस ऑफ टेक्स्ट, तो थिकनेस कैसे चेंज करेंगे, बोल्ड इफेक्ट कैसे देंगे? तो फर्स्ट टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट वेर यू वॉन्ट टू ऐड दिस इफेक्ट। आपको जहाँ पे ये इफेक्ट ऐड करना है वहाँ पे आपको उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। देन सेकेंड ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, गो टू द होम टैब, यहाँ पे जाना है। फिर यहाँ से फिर से फॉन्ट ग्रुप में जाना है, ये इतना होता है फॉन्ट ग्रुप, ये सब फॉन्ट ग्रुप में आता है। फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉन्ट गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन बोल्ड बटन। फिर यहाँ पे जो बी करके होता है ये होती है बोल्ड बटन, उसको सिलेक्ट करना है एंड देन योर फॉन्ट विल बी डार्कन। देखिए फिर आपका फॉन्ट जो हो गया वो डार्क हो गया। ओके, फर्स्ट गो सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन गो टू द होम टैब, देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन द बोल्ड बटन, योर फॉन्ट विल बी डार्कन। तो इस तरह से आप फॉन्ट इफेक्ट दे सकते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन इज़ यूज टू अंडरलाइन द वर्ड और टेक्स्ट। हमारे वर्ड को या हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, उसके उसके लिए अंडरलाइन ऑप्शन यूज़ होता है। तो हाउ टू ऐड अंडरलाइन, आप अंडरलाइन किस तरह से ऐड करेंगे? तो सिलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू वॉन्ट टू ऐड दिस इफेक्ट। फिर से आपको वही करना है, पहले तो सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको ये इफेक्ट देना है, तो उसको आपने सिलेक्ट किया। देन फिर से होम टैब में जाना है, देन अगेन फॉन्ट ग्रुप में जाना है, क्लिक ऑन अंडरलाइन बटन। यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है अंडरलाइन पे, तो आपका जो है फॉन्ट, नाउ योर टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। फिर आपके टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी। देखिए आप इसको सिलेक्ट किया, देन गो टू द होम टैब, देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन अंडरलाइन, तो योर टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। देखो यहाँ पे है अंडरलाइन। इटैलिक, इटैलिक इज़ यूज टू गिव स्लैंटिंग इफेक्ट टू द टेक्स्ट और फॉन्ट। हमारे टेक्स्ट और फॉन्ट को स्लैंटिंग इफेक्ट देना है, ये स्लैंटिंग बोलते हैं ना, स्लैंटिंग इफेक्ट देना है, तो उसके लिए इटैलिक ऑप्शन यूज़ होता है। हाउ टू ऐड अंडर, हाउ टू गिव स्लैंटिंग इफेक्ट, गिव स्लैंटिंग इफेक्ट, हम स्लैंटिंग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं? तो फर्स्ट गो टू, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट वेर यू वॉन्ट टू ऐड दिस इफेक्ट। पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसके इस पे अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो। देन गो टू द होम टैब, होम टैब में जाएंगे, देन गो टू द फॉन्ट फैमिली एंड क्लिक ऑन इटैलिक बटन, नाउ यू कैन सी स्लैंटिंग इफेक्ट टू योर टेक्स्ट। तो आप देखेंगे तो आपके इस पे स्लैंटिंग इफेक्ट दिखाई देगा। जिसको आपको करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, जिस पे स्लैंटिंग इफेक्ट देना है उस पोर्शन को, उस टेक्स्ट को आपको पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गो टू द होम टैब, देन गो टू द फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिक ऑन इटैलिक बटन, तो नाउ यू कैन सी स्लैंटिंग इफेक्ट टू योर टेक्स्ट। तो इस तरह से हमें इफेक्ट देने हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑप्शन इज यूज टू शिफ्ट द टेक्स्ट एट डिफरेंट साइड ऑफ एमएस वर्ड विंडो। देर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन एमएस वर्ड। अलाइनमेंट क्या है? तो अलाइनमेंट ऐसा ऑप्शन है जो किस लिए यूज़ होता है, हमारी जो टेक्स्ट है उसको डिफरेंट साइड में, एमएस विंडो के डिफरेंट साइड में ले जाने के लिए हमें वो अलाइनमेंट ऑप्शन यूज़ होता है। तो कितने टाइप्स के अलाइनमेंट अवेलेबल होते हैं? देर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर अवेलेबल। तो फर्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का साइन ये है, सेंटर का ये, राइट साइड में मतलब इस तरह से, जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से सेम मार्जिन होती है। वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट। फर्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट,
दिस अलाइनमेंट इज यूज टू शिफ्ट द टेक्स्ट एट लेफ्ट साइड और एमएस वर्ड विंडो बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट। आपके जो टेक्स्ट है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए उसके जो टेक्स्ट है उसको आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो उसके लिए लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ होता है। अगर आपके इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी डिफॉल्ट है तो आपकी टेक्स्ट पहले से ही लेफ्ट साइड में दिखेगी, जो कि ऐसे। देन हाउ टू अप्लाई लेफ्ट अलाइनमेंट, हम लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे यूज़ करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द होम टैब, फिर से होम टैब में जाएंगे। देन गो टू द पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप कौन सा है, ये होता है पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पर जाने के बाद क्लिक लेफ्ट अलाइनमेंट बटन, ये लेफ्ट अलाइनमेंट बटन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। यू कैन सी दैट योर टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, ये लेफ्ट साइड में आपकी ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अलाइनमेंट चेंज करनी है। सेकेंड है सेंटर अलाइनमेंट। दिस अलाइनमेंट इज यूज टू शिफ्ट द टेक्स्ट एट सेंटर और एट मिडल ऑफ एमएस वर्ड विंडो। जनरली इट इज यूज टू गिव लिटिल। सेंटर अलाइनमेंट किस लिए यूज होती है, कि हमारा जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, उसको सेंटर में लाने के लिए, मिडल ऑफ द एमएस वर्ड विंडो, मिडल रखने के लिए। तो इट इज़ यूज टू गिव टाइटल, ये वाली सेंटर जो अलाइनमेंट है वो जनरली किसके लिए यूज होती है, किसी को टाइटल देना है, जैसे चैप्टर नेम होता है, हम कैसे बीच में देते हैं उसके लिए, या फिर स्पेसिफिक कोई इसको टाइटल देना है उसके लिए हम सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट ही करना है, कोई भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कोई भी चीज़। देन गो टू द होम टैब, फिर से होम टैब में जाना है, क्लिक ऑन सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पे उसके बाद आप क्या जाएंगे, होम टैब के जाने के बाद गो टू द पैराग्राफ ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप है। यहाँ पे जाने के बाद आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दैट योर टेक्स्ट विल बी शिफ्टेड टू द सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। तो आपकी टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट एरिया के सेंटर में आ गई। तो इस तरह से आप सेंटर अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं।